Good morning, everyone. Welcome back to my channel, Management Mantra. I'm Dr. Barkha Gupta. And as you all know that we are learn about the Workmen Compensation Act 1923. So, उसी में आज हम आगे देखने वाले हैं. कुछ parts इसके हम already देख चुके हैं. अब उसी में आगे एक topic है, notice and claim. Let's discuss about the notice and claim कि इसमें क्या बताया जा रहा है. Notice and claim. ये जो टॉपिक है इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जब भी कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आपको पता है कि जब एक्सीडेंट हुआ है या एक्सीडेंट के दौरान ही आपको पता है कंपनसेशन गिवन होता है बाय द एम्प्लॉयर, तो उसके पहले उसे एक नोटिस देना पड़ता है. ठीक है, उसे क्लेम फाइल करना पड़ता है या उसे नोटिस देना पड़ता है. तो वो नोटिस कैसे देगा, किस मैनर में देगा, क्लेम कैसे फाइल करेगा, कब कर सकता है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात बताई गई है. कंपनसेशन एक्ट आपको पता ही है, कंपनसेशन होता क्या है. कंपनसेशन गिवन बाय द एम्प्लॉयर इन केस ऑफ इंजरीज. इंजरीज आपकी पर्सनल इंजरी भी हो सकती है या ऑक्यूपेशनल डिसीज भी हो सकती है. दोनों ही केसेस में अगर ये आपका वर्किंग के दौरान हुआ है या वर्किंग की वजह से अगर किसी एम्प्लॉयज के साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है जिससे उसे पर्सनल इंजरी हो जाती है या फिर उसका लाइक ऑक्यूपेशनल डिसीज उसको अगर हो जाती है, तो उस केस में एम्प्लॉयर जो होता है वो लाइबल होता है उसे कंपनसेशन देने के लिए. बट इसके रिगार्डिंग भी सबसे पहले उसे नोटिस देना पड़ता है. ठीक है, एम्प्लॉयज को एक नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद ये प्रोसेस जनरेट होती है. तो उस नोटिस में क्या मेंशन होता है, कैसे होता है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको बात बताई गई है. जैसे आप देख रहे हो यहाँ स्लाइड्स में आपको कुछ चीजें बताई गई हैं रिगार्डिंग द नोटिस. तो नोटिस में बताया गया है टू होम. टू होम किसे दिया जाएगा वो नोटिस, कमिश्नर को दिया जाएगा. अगर आपको याद हो प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं, कमिश्नर ही एक ऐसा बंदा है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सारे क्लेम्स को क्लियर कराने के लिए, या जितना भी आपके कंपनसेशन से जुड़ा हुआ जो भी मैटर है उसको सॉर्ट आउट करने का काम कमिश्नर का ही होता है. इसलिए नोटिस किसको दिया जाएगा, कमिश्नर को दिया जाएगा. बाय किसके थ्रू दिया जाएगा, एम्प्लॉय के थ्रू दिया जाएगा. ठीक है, इसका मैनर क्या होगा, किस तरीके से इसे दिया जाएगा, तो ये हमेशा राइटिंग में होगा. कई बातों पर जो मुंह से बोला गया है उसी पर हमेशा बिलीव नहीं किया जाता है. जो भी आप रिटन डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसकी वैलिडिटी ज्यादा होती है. ठीक है ना, उसकी अहमियत ज्यादा होती है. इसलिए जितना भी आपके नोटिस होंगे वो हमेशा रिटन में जाएंगे. अब बात आती है कि किस समय पर दिया जाए, इसका टाइम क्या होना चाहिए नोटिस को देने का. तो एज सून एज आफ्टर हैपनिंग द एक्सीडेंट, जस्ट एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हुआ है, उस एक्सीडेंट के तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी उसको ये जो नोटिस है वो फाइल करना चाहिए, नोटिस जो है वो पहुंचाना चाहिए कमिश्नर के पास तक. नाउ इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, दैट मीन्स कि क्या इसमें कंटेंट्स होने चाहिए. तो पहली चीज, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उस पर्सन की इंफॉर्मेशन तो उसमें मेंशन होना जरूरी है. तो दैट मीन्स द पर्सन नेम एंड एड्रेस, जिस भी पर्सन की इंजरी हुई है उस पर्सन का नाम और उसका एड्रेस यहाँ मेंशन होना चाहिए. कॉज ऑफ इंजरी, किस कारण से उसे हुआ है ना. अराइजिंग, जो आपको पता ही है जो हमारी कंडीशन है, अराइजिंग आउट एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उस वजह से अगर हुआ है तो उसमें से क्या कंडीशन थी जिसकी वजह से हुआ है, वर्किंग के दौरान हुआ है या प्रमाइसिस में ही हुआ है लेकिन किसी और वजह से हुआ है ना. कोई एक्सीडेंट अगर उसका हुआ है तो किस वजह से हुआ है, तो वो सारी चीजें इसमें मेंशन करना रिक्वायर्ड होती है. तो कॉज ऑफ इंजरी, नाउ डेट ऑफ एक्सीडेंट, किस डेट को ये हुआ है वो भी मेंशन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये मेन कंटेंट होते हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होना ही चाहिए. ये जो कंटेंट है आपके, जब ये इन्वॉल्व हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका सर्विंग ऑफ नोटिस. ठीक है, सर्विंग ऑफ नोटिस. अब ये नोटिस आप किसे सर्व कर रहे हैं, मतलब किसके लिए आप दे रहे हैं. तो ये आप एक तो एम्प्लॉयर, इसे जो सर्व करेगा वो कौन करेगा, एम्प्लॉयर करेगा. एनी वन ऑफ द सेवरल एम्प्लॉयर, आपने पढ़ा भी है डेफिनेशंस में कि ये जो एम्प्लॉयर होता है, या अगर मल्टीपल एम्प्लॉयर्स है तो उसमें से कोई एक, या फिर कोई बंदा जो इस बिजनेस को संभाल रहा है एम्प्लॉयर्स की जगह पर, वो पर्सन, तो कोई भी पर्सन हो सकता है जो एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आ रहा है वो इस नोटिस को सर्व करेगा. तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि एम्प्लॉयर, एनी वन ऑफ द सेवरल एम्प्लॉयर, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू एम्प्लॉयर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द ट्रेड एंड बिजनेस, जो कि उसके कोई भी पर्सन जो मैनेजर, जो एम्प्लॉयर की जगह पर या एम्प्लॉयर का काम संभाल रहा है या मैनेजमेंट संभाल रहा है किसी भी बिजनेस या ब्रांच का, वो पर्सन यहाँ पर सर्व करेगा उस नोटिस को.
अब मोड ऑफ सर्विंग नोटिस किस तरीके से आप उसको भेज सकते हैं, तो बाय डिलीवरी या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही आप उसे भेज सकते हैं। नॉर्मल पोस्ट या किसी भी तरीके से अगर भेजेंगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, या तो आप किसी पर्सन के थ्रू उसे पहुंचवाइए या फिर आप उसे रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही आप कर पाएंगे, तभी ये नोटिस जो होता है वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग द नोटिस। तो अब आपको ये चीज तो क्लियर हो ही चुकी होगी कि इन केस कभी ऑर्गेनाइजेशंस में या फैक्ट्रीज में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस केस में नोटिस देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और उस नोटिस में ये कुछ पॉइंट्स आपको जो बताए जा रहे हैं इन्हें ध्यान रखना रिक्वायर्ड होता है। अब हम बात करते हैं कि क्लेम क्या होता है। तो क्लेम जो होता है दैट मींस कि आप जैसे नोटिस तो हमने दे दिया, अब मान लीजिए कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक्सीडेंट के बाद में हम क्लेम फाइल करना आपने ये वर्ड सुना होगा कि जो लाइक जो हमसे लॉस हुआ है, जो हमारा लॉस हुआ है, तो उस लॉस के लिए हम क्लेम फाइल कर रहे हैं। जनरली जिस पर्सन के साथ में एक्सीडेंट हुआ है, जिससे उसकी डेथ हो गई है, तो उस पर्सन के जो डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, अब डिपेंडेंट कौन होते हैं ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड्स में बता चुकी हूँ। तो जो उस पर्सन के डिपेंडेंट होंगे, जो उस पर आश्रित होंगे, वो इस क्लेम को फाइल करते हैं जनरली, ठीक है ना। तो अब ये प्रेफर्ड बिफोर किसे ये दिया जाता है, ये कमिश्नर को ही दिया जाता है, और विदिन अ 2 ईयर्स, है ना, कब दिया जाएगा, जिस समय उस पर्सन की अगर डेथ हुई है तो उस डेथ के 2 साल के अंदर अंदर इसे क्लेम फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, 2 साल के बाद अगर क्लेम फाइल करेंगे तो उसको कोई ध्यान नहीं देगा, 2 साल के अंदर ही अंदर आपको क्लेम फाइल करना पड़ता है। अब यहाँ पर क्योंकि कमिश्नर का बहुत बड़ा हाथ होता है इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए, सारी चीजों को ध्यान देने के लिए, तो यहाँ पर भी द कमिश्नर में इंटरटेन एंड डिसाइड एनी क्लेम। यहाँ पर ये कमिश्नर ही है जो ये डिसाइड करता है कि जो भी क्लेम आया है, जो भी क्लेम देना है या नहीं देना है, तो वो सब कुछ उसको पूरा, जब ये से लगता है कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि जिस पर्सन को क्लेम दिया जाना है वो पर्सन सही है, मतलब जो डिपेंडेंट आया है वो पर्सन सही है, जो कंडीशन उसने बताई है वो सारी कंडीशन सही है, जब ये सारी चीजों को देखकर सेटिस्फाइड होता है, उसके बाद ये उस क्लेम को क्लियर करवाता है। तो ये जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से किसकी हो गई, आपकी कमिश्नर की हो गई। तो इस तरह से ये नोटिस और क्लेम वाला जो टॉपिक है ये आपका वर्क करता है। आई होप इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। इसी तरह से इस जो कंपनसेशन एक्ट के जितने भी टॉपिक हैं छोटे छोटे, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी, है ना। तो वो आप छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन्हें आप देखते जाइए, कोई अगर डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, हम उन डाउट्स को क्लियर करेंगे और इस तरह से हम अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए, अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस स्लाइड्स नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट करिए और प्रीवियस स्लाइड्स भी जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।